मिस्टर रोहित कुमार, रोहित कुमार के लिए एक बार ताली स्वागत करेंगे। तो रोहित कुमार, सबसे पहले क्या कहते हैं आपका, मैं पढ़ते जाना चाहूंगा। हम तो जानते ही है, सबको बता लेंगे। मैं विजय बोला है। और हिंदी कैसा लगा? चलिए, तो आपको फर्स्ट डिवीजन से ट्वेल्थ प्राप्त किया, पास आउट हुए हैं, तो आगे क्या आप कहाँ क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ है प्लानिंग? एलएलबी। चलिए, ये मेरा कहते हैं एलएलबी जो है ना, यानी कि हिंदुस्तान में अगर क्या कहते हैं, मतलब नहीं पता सिर के तरह जीती थी ना, है ना, तो सिर के तरह जीती थी, जिले वाला जो बच्चा था ना, वो एलएलबी है शेर की तरह, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता, ठीक है ना। अच्छा, इसका पता है कि आप कैसे बन सकते हैं वकील? किसी का तैयार करना पता है? नहीं पता है। इसका दो सेक्टर होता है, एक प्राइवेट भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है ना। इसे कंबाइंड टेस्ट होता है, उसको पास करने हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। उसको करने के बाद क्या आप एलएलबी, ठीक है ना। एलएलबी करने के बाद मैं इतना बता देता हूँ शॉर्टकट में, कि अगर किसी का परछाई आपके ऊपर पड़ जाए, है ना, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, है ना। अगर मेरा परछाई किसी पर पड़ रहा है, हम चाहे उसके ऊपर केस कर देना, तो हम कर सकते हैं और उससे हम पैसा भी दे सकते हैं। और ये जो प्रोफेशन है ना, ये सोना वाला प्रोफेशन है, थोड़ा समझते हो, सुनार, सुनार जो है ना, खरीदोगे तब पर उसी में फायदा होगा, रिटर्न करो तो उसी का फायदा होगा, बदलाने करो तो उसी का फायदा होगा, किसी भी एंगल से फायदा उसी का होगा, 110%, ठीक है ना। तो ये जो प्रोफेशन है, देखिए ऐसा तो मैं कह दिया हूँ कि कहते हैं ऐसा प्रोफेशन है, लेकिन समाज के लिए अगर देखा जाए तो ये वकीली जो है ना, एडवोकेट का जो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रखता है। जैसे कि हमारे समाज सुधारने के लिए टीचर्स बहुत जरूरी है ना, हमारे समाज की कुरीति को क्या कहते हैं दूर करने के लिए पत्रकार का जरूरत है ना। उसी प्रकार कहते हैं किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलवाने के लिए, है ना, एक वकील का और क्या कहते हैं जो संवैधानिक तरीका होता है उसको जानना और क्या कहते हैं अपने हक की मांग करना और उसके बारे में बताना या उससे संबंधित रहना, ये बहुत बड़ी कार्य होता है। वकील ही बहुत, जैसे कि दो तीन ऐसा प्रोफेशन है ना, उसमें बिना स्टडी का काम नहीं चल सकता है। जैसे टीचिंग है, टीचर नहीं पढ़ेगा है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता, 110% है। वकील है, वकील अगर नहीं पढ़ेगा, वकील को पूरा जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है, तो टीचर को पढ़ना पड़ता है ना, वैसे वकील को भी कहते हैं पूरा जिंदगी पढ़ना पड़ता है। और तीसरा नंबर पर है डॉक्टर, तो डॉक्टर वकील और टीचर इसको जिंदगी भर पढ़ना रहता है, और जब तक वो नहीं पढ़ेगा ना, उसका काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये टफ क्या कहते हैं एरिया है, लेकिन इसमें मजा है, ठीक है ना। मतलब कि किसी को न्याय दिलाना, किसी को अपनी काबिलियत से, अपने टैलेंट से उसको क्या कहते हैं उसका हक दिलवाना, ये बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। और मैं तो प्रोफेशन क्या कहते हैं कुछ अलग सेक्टर है, मेरा चॉइस है, ठीक है ना, और उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे सेकेंड ऑप्शन कहीं मिले कि आपको क्या सेकेंड ऑप्शन क्या चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ मैं एलएलबी ही चुनूंगा इन फ्यूचर। अगर क्या कहता है मैं अगर कहीं पे आता हूँ, है ना, उसके बाद भी क्या कहते हैं मेरा नेक्स्ट अगर का टारगेट अगर रहेगा, मेरे जो टारगेट है उसको अचीव करने के बाद, तो मेरा प्रोफेशन वही रहेगा, या फिर मैं उसी के बारे में काम करूँगा या किताब लिखूंगा फ्यूचर में, कहते हैं मेरा ये सब प्लानिंग है। तो एलएलबी क्या कहते हैं बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है ना। अब किसी को अपने टैलेंट से कहते हैं आप उसका हक दिलवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए, इंडिया में कहते हैं बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने टैलेंट का गलत उपयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा कुछ नहीं करें, आप पहले भी करें और वकील बने, ठीक है ना। और कभी कभी हम लोग का केस हो जाता है, मुकदमा लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है ना। एक बार हो गया था केस, पता है ना, आपको पता ही होगा।
चलो बहुत अच्छा आपका सोच है, एलएलबी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन एलएलबी करने के लिए आपको लैंग्वेज का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। और जो आपका कंस्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इंग्लिश एलएलबी करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप इंग्लिश से आगे पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। एलएलबी एक एग्जाम होता है, उसके पास करने के बाद आपको क्या तैयारी, मतलब उसके में आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है ना, जैसे हर चीज़ का होता है वैसे। लेकिन उसमें लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा दोस्त जो हम क्या रहते हैं दूसरा कोर्स में क्या आता है अभी वकील है, ठीक है ना, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत अच्छा सोच है। अब उस तरह चाहते हैं अरे कोई बात नहीं है, वी विल रॉक एंड अचीव आवर एम्बिशन। अरे नंबर डिसाइड नहीं करता है कि नहीं जगह तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ डॉट व्हाट कैन आई डू Nobody, and I think that God will not decide for you that what will you do. And I want to say that if you promised yourself that I have to receive that post, then you will receive in any condition, any situation. You will can do it in once time, once and once and twice and thrice. That is not the matter, but if you have promised yourself that I have to receive that post, then you will receive in any condition. Doesn't matter that you have got money or not. Doesn't matter that you have facilities or not. But you have got courage to receive your ambition, to reach your ambition. You want to go ahead in your life. That nobody can stop you. And I think that God cannot defeat your work. Because of God said that work is worship. That means whatever you do, work in your life, that is your worship. And God also wants that you do something laborious and hard. And you will receive it. I have